नमस्कार दोस्तों, कर्नाटका स्टेट प्राइवेट कॉलेज फुल काउंसलिंग डिटेल। कर्नाटका स्टेट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। यहाँ कितने कॉलेजेस हैं, क्या फीस है, क्या कट ऑफ जाती है, किस तरह का स्टेट है ये एमबीबीएस करने के लिए। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपडेट आएगा हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर पूरी काउंसलिंग में गाइड करते हैं। हम लोग पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कर्नाटका स्टेट फुल काउंसलिंग डिटेल। दोस्तों कर्नाटका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए, और आज से नहीं बहुत पहले से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर्नाटका एमबीबीएस करने के लिए जाते रहे हैं काफी समय से, बिकॉज यहाँ की फीस हमेशा से कम रही है। अब धीरे धीरे बढ़ गई है, बट पहले तो 6 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख ऐसे फीस हुआ करती थी, फिर 7 लाख हुई, फिर 9 लाख, फिर 10 लाख, अब लगभग 10 लाख रुपए। और इस साल अगर फिर से और बढ़ा दें तो बात अलग है। अगर बात करें टोटल कितने कॉलेज हैं यहाँ पे, तो लगभग 30-32 तो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इससे अलग 10-11 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्लस 30 के आसपास सरकारी कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे कॉलेजेस की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में कर्नाटका में कॉलेजेस हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे सारे टॉप के हैं, केएमसी मणिपाल, मैंगलोर, जेएसएस मैसूर, केएस हेगड़े, जेएलएन बेलागावी, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे। मतलब भारत के जो टॉप के नंबर 1, नंबर 2 कॉलेजेस हैं वो कर्नाटका में हैं एमबीबीएस के लिए प्राइवेट में। बात करें स्टेट प्राइवेट में, तो स्टेट प्राइवेट में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बहुत ही रेपुटेड कॉलेज है, सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही नहीं, दूसरे कोर्सेज के लिए भी ये बहुत फेमस है, इंजीनियरिंग एंड ऑल, बट एमबीबीएस के लिए काफी फेमस कॉलेज है एमएस रमैया। प्रॉपर बैंगलोर में है ये कॉलेज। कैंपेगौरा, जिसको किम्स के नाम से भी जानते हैं, किम्स बैंगलोर, कैंपेगौरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, काफी रेप्यूटेड कॉलेज है। बीआर अंबेडकर, वैदेही, सप्तगिरी, एमवीजे, सेंट जॉन्स, बहुत ही बड़ा नाम सेंट जॉन्स जो है वो मतलब सबसे ऊपर उठने वाला कॉलेज है, सबसे ऊपर इसका कट ऑफ जाता है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, बिल्कुल हर्ट ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर के हर्ट में ये कॉलेज है। बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छी ओपीडी, और इसका कट ऑफ जो है गवर्नमेंट से भी ऊपर जाता है। ऑल इंडिया रैंक 12-13 हजार पे ये क्लोज हो जाता है, मतलब मैक्सिमम 15-16 हजार रैंक पे मॉपअप राउंड में जाकर के मिल सकता है, इससे ज्यादा कट ऑफ इसका कभी नहीं जाता। हाँ, अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं तो आपको 50 हजार रैंक पे भी सीट मिल सकता है, वो बात अलग है, बट जनरल कैटेगरी में इसका नहीं जाता इतना कट ऑफ। और इसकी फीस सबसे कम है वहां पे, अभी भी इनकी फीस 6-7 लाख रुपए ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बात करें और जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे कर्नाटका में, मैंने आपको बताया बैंगलोर में लगभग 10-11 कॉलेजेस हैं स्टेट प्राइवेट में, जिसमें कि रमैया, कैंपेगौड़ा, वैदेही, सप्तगिरी, एमवीजे, ऑक्सफोर्ड, आकाश, ये सारे कॉलेजेस आते हैं। अगर बात करें जो दूसरे सिटीज में है, जैसे फादर मुलर है मैंगलोर में है, काफी अच्छा कॉलेज है। जे धवनगिरी है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, इसके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अटैच है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, कर्नाटका का काफी रेपुटेड कॉलेज है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं कर्नाटका में। अलम इम बीजापुर है, काफी पुराना कॉलेज है, 1985 आई थिंक या 1990 के आसपास में ये स्टार्ट हुआ था अलम इम बीजापुर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पुराना कॉलेज है। तो इस तरीके से काफी सारे कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, एंड कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहां पे हम एजुकेशन की क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी एजुकेशन की क्वालिटी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हैं तो पीजी में आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलता है वहां पर, और वो काफी बेनिफिशियल रहता है कुछ ब्रांचेस में, कुछ ब्रांचेस में इतना बेनिफिशियल नहीं रहता। यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं जिसकी फीस ज्यादा है, मतलब जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है उनकी तो फीस फिक्स्ड है, 9,94,000 या 10 लाख रुपए साल की फिक्स्ड है सारे कॉलेजेस की, चाहे कैंपेगौड़ा हो, वैदेही हो, सप्तगिरी हो, एमबीजे हो, इन सब की फीस जो है वो फिक्स्ड है। अगर मैं बात करूं एमएस रमैया की फीस पिछले साल बढ़ा दी गई थी, एंड जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फीस ज्यादा है, किसी की 16 लाख है, किसी की 17 लाख है, किसी की 17.5 लाख है, जिसमें जो कॉलेजेस हैं वो आदि चुनचुनगिरी मेडिकल कॉलेज है, ख्वाजा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज है, इसके बाद अगर एसडीएम मेडिकल कॉलेज है जो धारवाड़ में है, एसडीएम मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर चंद्रमा मेडिकल कॉलेज है, तो ये सारे कॉलेजेस जो है वो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इनकी फीस 16-17 लाख रुपए के आसपास में है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो अगर माइनॉरिटी कॉलेज की चूंकि फीस ज्यादा है तो इनका कट ऑफ डाउन जाता है, यहाँ पे 1.5 लाख रैंक, 2 लाख रैंक पे भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, 2.5 लाख रैंक पे भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब 300 नंबर पे भी सीट मिल सकता है जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज्यादा होती है। बट जो जिन कॉलेजेस के लिए लोग कर्नाटका जाते हैं, यानी कि स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका जिनकी फीस कम है, उन कॉलेजेस की कट ऑफ काफी ऊपर रहती है।
जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी तो कट ऑफ जो है 16,000, 18,000, 22,000, 25,000 रैंक। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की, जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो 15,786 सेकेंड राउंड में। कैंपेगौड़ा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर लगभग 27,000 कट ऑफ गई थी। वैदेही में लास्ट ईयर लगभग 30,000 के आसपास कट ऑफ गई थी। रैंक, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ। बी आर अम्बेडकर बैंगलोर की लगभग 32-33,000 कट ऑफ गई थी। फादर मुलर की जो कट ऑफ है वो 35-36,000 के आसपास गई थी। सप्तगिरी की कट ऑफ जो है वो 52,900 यानी लगभग 53,000 कट ऑफ गई थी। ये सेकेंड राउंड तक। मॉपअप का कोई ट्रस्ट नहीं होता, भरोसा नहीं होता। मॉपअप में 1,00,000 रैंक पे भी सीट मिलता है और अच्छे अच्छे कॉलेज में मिल जाता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो एक तुक्का है, वो एक लक है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बट राउंड वन और राउंड टू की अगर हम बात करें तो 60-70,000 रैंक तक 10,00,000 की फीस में कर्नाटका में आपको सीट मिल सकता है। बैंगलोर बैंगलोर की बात करें तो 30-40,000, 50,000 रैंक तक बैंगलोर में भी आपको सीट मिलने की संभावना है। मॉपअप राउंड तक अगर आप वेट करते हैं तो 1,00,000-1,25,000 रैंक तक भी सीट आपको मिलने की संभावना है 10,00,000 रुपए साल की फीस से। मॉपअप राउंड में सीट मिलता है क्योंकि वहां पे अदर्स कोटा की सीटें हैं। यहाँ कर्नाटका में आउटसाइडर्स के लिए दो तरह की सीट्स हैं, एक ओपन कोटा, एक अदर्स कोटा। ओपन कोटा की फीस 10,00,000 है, अदर्स कोटा की फीस बहुत ज्यादा है, 30,00,000, 35,00,000, 40,00,000 पर एनम की फीस है, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई। जो अफोर्ड कर सकता है उसको वहां पे रमैया भी मिल जाएगा, कैंपेगौड़ा भी मिल जाएगा, चाहे मार्क्स 300 क्यों ना हो, बट वो कॉलेज उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओपन है काउंसलिंग में, आप अदर्स कोटा में चॉइस फील करिए। अगर आपका बजट है 35,00,000 तो आप जो भी कॉलेज चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। पर एनएम की बात मैं कर रहा हूं, तो वो अदर्स कोटा की सीटें खाली बच जाती हैं तो वो मॉपअप राउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफी बल्क में वो सीटें खाली होती हैं तो कट ऑफ काफी डाउन चला जाता है कर्नाटका में मॉपअप राउंड में। डिटेल डिस्कशन के लिए आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कर्नाटका में किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, राउंड वन राउंड टू मॉपअप किस तरीके से आपको वहां पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कर्नाटका के अलावा पूरे भारत में कहां कहां आपको काउंसलिंग करना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ओपीडी कैसा है, कितना पुराना है, वहां पे एमबीबीएस करने से पीजी में क्या फायदा मिलेगा, और तमाम तरह के क्वेश्चंस आएंगे अभी आपके सामने जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो अगर आप चाहें तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोज लाते रहेंगे। नमस्कार।